ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम 31 अक्टूबर की शुरुआत की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जहाँ परमात्मा पिता चाहते हैं कि हम प्रतिज्ञा करें, जिस प्रतिज्ञा से कोई भी इंसान कोई भी चीज़ अचीव कर सकता है लाइफ में, चाहे वो एक स्टूडेंट क्यों ना हो। वो प्रतिज्ञा करता है कि आज से मैं ना पिक्चर देखूंगा, ना मूवीज देखूंगा, ना फ्रेंड्स को मिलूंगा, ना मैं बाहर जाऊँगा, ना क्लबिंग करूंगा। तो उसको अपने एग्जाम्स की तरफ फोकस होता है, वो ऑटोमेटिकली फोकस हो जाता है, वो मेडिटेशन मोड में आ जाता है अपने एग्जाम्स के पेपर्स के साथ में। उसी तरीके से अगर कोई सीईओ बोले या कोई अगर इंसान बोले कि मुझे जॉब मिलनी है, मुझे जॉब चाहिए, तो मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, तो उस इंसान का फोकस मेडिटेशन उस चीज़ से हो जाती है। एक साइंटिस्ट भी अगर सोचता है कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे खाना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी समय, मुझे फोकस करना है उस फॉर्मूला के ऊपर, फोकस करना है जिससे कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, और वो अंडरग्राउंड कर लेता है अपने आप को, तो वो भी मेडिटेटर बन जाता है। उसी तरीके से परमात्मा कहते हैं कि अपने लाइफ के सारे सॉल्यूशंस के लिए आप मुझ पर मेडिटेट करो। और इसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड परमात्मा कहते हैं, जो कि आज हम देखेंगे इस वरदान में। परमात्मा कहते हैं, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भवा। तो मन मनाभव, मन को मना करके एक भगवान में जोड़ो, ताकि हमारे अंदर सारी क्वालिटीज, सारे गुण, सारी शक्तियां आ जाएं वो सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं, जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मनाभव हो जाता है। प्रतिज्ञा क्या करनी है, मुझे क्या चीज़ छोड़नी है, ताकि मेरा मेडिटेशन, ताकि मेरा फोकस परमात्मा पर रहे और मैं अपने आप को हल्का बनाऊं, और हर एक सिचुएशन को उस हल्केपन के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा जो मेडिटेशन से मिलती है, सॉल्व करूं। और ये मन मनाभव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। तो मन के अंदर के संकल्प भी आपके यंत्र बन जाते हैं, तरीके बन जाते हैं, सॉल्यूशंस बन जाते हैं, औजार बन जाते हैं आपके। लेकिन मन में आए कि मुझे ये करना ही है, ये प्रतिज्ञा होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मन तीन चार चीज़ों में अगर भटकेगा, ये करूँ कि वो करूँ कि ऐसे करूँ, तो फिर प्रॉब्लम है। यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है, कि जो परमात्मा ने मुझे कहा है, जो कि ब्रह्मा कुमारी सीखने की करना क्या है, करना क्या नहीं है, तो उन्होंने जो कहा है वो हुआ पड़ा है, वो करके ही रहना है। यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा है वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन प्रतिज्ञा होनी चाहिए स्ट्रांग, ये नहीं कि हाँ करूंगा जरूर, लेकिन कल जाके यार ये रीजन आ गया, नहीं किया उस कारण से, नहीं किया मन नहीं किया, ये नहीं हो सकता। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा आती है हमारे अंदर से, हमारे ही कमजोर संकल्प हमारी परीक्षा बनते हैं, हमारे बहाने हमारी परीक्षा बनते हैं, हमारे ही बहाने और लोगों के साथ में अटैचमेंट के परीक्षा बनते हैं, चीज़ों के साथ में अटैचमेंट के परीक्षा बनते हैं, जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं, और ये हमारे अंदर की कमजोरियाँ होती हैं। लेकिन हम ज़्यादातर ब्लेम दुनिया वालों को करते हैं कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, यह परीक्षा पावरफुल है, चेक करो इसको। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर दे, परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर ना कर दे। कोई परीक्षा आई आपकी लाइफ में, एक साइंटिस्ट की लाइफ में परीक्षा आई, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है उस इक्वेशन को, छोड़ दिया उसने, मुझसे नहीं होता। या एक एग्जाम में बैठने वाला एक बच्चा बोलता कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, बाजू वाले बहुत आवाज़ करते हैं, क्या करूँ, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही उनकी वजह से। ये सारे कारण फोकस की कमी के कारण, सारे हम औरों पर जब डाल देते हैं तो उनको हम पावर दे देते हैं, और पावर हमारी कम हो जाती है, क्योंकि पावर हमने औरों को दे दी, और वहीं प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। परीक्षा बड़ी होती है और प्रतिज्ञा छोटी होती है। ये सब कुछ करना क्या है, इसके लिए आप ब्रह्मा कुमारीज में आकर के मेडिटेशन सीखे, जिसके द्वारा आपके अंदर शक्ति आएगी और आप भी आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में प्रतिज्ञा के साथ। इसके साथ ओम शांति।